तो क्या हालचाल हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और बार मिस्टर फोटोवाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित, आ गया हूं मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आप सभी को मैं 5 क्रिएटिव मोबाइल फोटोग्राफी आइडियाज़ बताने वाला हूं, आपको पसंद आएंगे ये सारे आइडियाज़ मैं बताने वाला हूं आज। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आप सभी को वीडियो में और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं ऐसे ही काफ़ी क्रिएटिव फोटोग्राफी आइडियाज़ और एडिटिंग ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर डालते रहता हूँ। और ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो चलिए फ़ोटो क्लिक करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो बढ़ते हैं अपने पहले फोटोग्राफी की तरफ। इसके लिए आपको एक चेस बोर्ड ले लेना है और एक धागा ले लेना है, और उस धागे के साथ चेस के जो प्लेयर्स सोल्जर्स रहते हैं उन्हें कुछ इस तरह से सेट कर लेना है, देखिए आप कुछ इस तरह से। फिर अब हम उसको कुछ मोबाइल का कैमरा ओपन करके ऊपर के एंगल से फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमारी कुछ इस तरह लगेगी, काफ़ी यूनिक एंड क्रिएटिव फ़ोटो लग रही है हमारी। ऐसे लग रहा है ये एक चेकमेट है और इसे कुछ बांध के पकड़ लिए इधर वाले सोल्जर्स, तो काफ़ी यूनिक है। तो अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे फोटोग्राफी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लेट ले लेना है और एक एप्पल ले लेना है और एक पेंट ब्रश ले लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करके उस पेंट ब्रश को एप्पल के ऊपर कुछ इस तरह रखते हुए जैसे हम एप्पल में पेंट कर रहे हैं, और हमें फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो को क्लिक करने के बाद आपको इसे ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। इसके सेचुरेशन को हम पूरी माइनस के साइड ले जाएंगे और इसे कुछ हम इस जगह से इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद अपनी फ़ोटो कुछ इस तरह की लगेगी, देख सकते हैं ऐसे लग रही है जैसे हम रेड कलर के पेंट से इस एप्पल को पेंट कर रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव लग रही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोटोग्राफी की तरफ। इसके लिए आपको एक ब्लू चार्ट पेपर ले लेना है और एक केला ले लेना है, बनाना, और उस बनाने को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है, देखिए कुछ इस तरह, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह। देन मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और फोटो को लो एंगल से क्लिक करना है। आपको बनाना जो है उसे कुछ इस तरह ही सेट करना है जैसे वो लग रहा है कोई इंसान आराम वाले पोज में बैठा है, चिल मार रहा है, देखिए इस तरह पोज करके उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूवल एप्लीकेशन पे इसे ओपन करके इस धागे को सिंपली पेंट करके वहाँ से गायब कर देना है, और अब हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह लगेगी, देख सकते हैं काफ़ी गजब लग रही है हमारी फ़ोटो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटोग्राफी की तरफ। इसके लिए आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर, एक बेलन और आटा ले लेना है, कुछ आटे। अब उसको कुछ इस तरह से बना लेना है, आटे को उसको बिखार के उसमें कुछ हार्ट शेप से बना लेना है। फिर अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और इस एंगल से फ़ोटो को क्लिक करना है बेलन को उसके पास रख के। अब आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी फोटोग्राफी की तरफ। इसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन, एक ईयरफोन और एक बैंडेज का टेप ले लेना है, और उस टेप को ईयरफोन के साथ अपने हाथ में कुछ इस तरह लगा लेना है और कैमरा ओपन करके ऊपर के एंगल से फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो को क्लिक करने के बाद आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर इस फ़ोटो को ओपन करना है और स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाके सर्च करना है म्यूज़िक, और कोई सा भी म्यूज़िक का लेवल आपको वहाँ से उठा के उसे इस तरह मोबाइल के ऊपर सेट कर लेना है, और अब हमारी फ़ोटो काफ़ी यूनिक लगेगी। ये देखिए काफ़ी मूडी इफ़ेक्ट और काफ़ी ख़तरनाक लग रही है हमारी फ़ोटो। तो ये थे हमारे आज के 5 क्रिएटिव मोबाइल फोटोग्राफी आइडियाज़। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको बेस्ट फ़ोटो कौन सी लगी इन सब में से। और अगर आप मेरे फ़ोटो को रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग और मेरा
हैशटैग यूज करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप मेरे हैशटैग यूज किए और मैं हैशटैग सर्च करते रहता हूँ, मेरे हैशटैग को देखते रहता हूँ, अगर मुझे आपकी फ़ोटो दिखी तो मैं आपको फीचर भी कर सकता हूँ उसमें से, अगर मुझे अच्छी लगी तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.